सांसद हैं जिन्होंने जिसे अब सेना कहा जाता है मुख्यमंत्री एकनाथ नाथ सिंधे बाला साहब ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र के हित में कई वर्षों से काम कर रहे हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता सांसद गजानन कीर्तिकर बाला साहेबंशी शिवसेना को और मजबूत करेंगे वह बिना शर्त हमारे साथ आए हैं कीर्तिकर ने कहा मैं किसी उम्मीद के साथ नहीं जुड़ रहा हूं मैं पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करूंगा और कार्यकर्ताओं और नेताओं का मार्गदर्शन करूंगा उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कीर्तिकर जी का आगमन हमारे लिए खुशी का अवसर है उनका मार्गदर्शन और सलाह हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी इतने बड़े नेता का शामिल होना दिखाता है कि सीएम सिंधे की बगावत सही थी जैसे ही कीर्तिकर बाला साहेबंशी शिवसेना में शामिल हुए ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना ने कीर्तिकर को पार्टी नेता के पद से बर्खास्त कर दिया शिवसेना के एक बयान में कहा गया कि उन्हें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण हटाया था शिवसेना के सूत्रों ने कहा कि कीर्तिकर के की बेटे अमोल शिवसेना में बने रहेंगे उन्होंने कहा कि अमोल ने शिवसेना नेताओं से कहा है कि उनके पिता शिंदे के गुट में शामिल नहीं होने से उनके अनुरोध के बावजूद निजी कारणों से वे गुट में शामिल हुए थे कीर्तिकर प्रभा देवी के रविन्द्रनाथ मंदिर में सांसद राहुल शेवाले और विधायक सदा सर्वकर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम एक नाथ की उपस्थिति में बाला साहेबंशी शिवसेना में शामिल हुए कीर्तिकर शिवसेना के पुराने सदस्य हैं जिन्होंने चार बार विधायक के रूप में काम किया है और वे पहली शिवसेना भाजपा सरकार में मंत्री थे जो 1999 में सत्ता में आई थी लोकसभा 2014 में मुंबई उत्तर पश्चिम से एक सीट जिसे उन्होंने 2019 के निकाय चुनावों में बरकरार रखा था पीएमएलए मामलों में जमानत भ्रष्टाचार के मामले में अनिल देशमुख को रिहा करने का आधार नहीं हो सकती सीबीआई ने बॉम्बे एचसी से कहा